तो क्या होगा अगर तुम हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर एक दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट महंगी गाड़ी डाल दोगे? गाड़ी का कचंबर ही बनेगा और तो कुछ होने नहीं वाला है। और मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर रहा था। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही पागल करतूते जो किए हमारे प्यारे मिस्टर बीस्ट भैया ने। एंड आई किड यू नॉट, ये मैडनेस होने वाली है, बिकॉज अगर तुम्हें नहीं पता एक लैम्बोर्गिनी कितने की आती है, एक 4 करोड़ की गाड़ी को 4 करोड़ की डाल दोगे हाइड्रोलिक प्रेस में, क्या होगा फिर? तो यस, देखते हैं चीजों को तबाह होते हुए। भाई मेरे को दे देता है यार। अभी हम ऐसे टेस्ट करने वाले हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं किए, जैसे एक लैम्बोर्गिनी ब्रो व्हाट पिचकाना, अबे ट्रेन स्पाइडरमैन सूट पहनकर चढ़ना, दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट करना, पूल को जो ओबीस से भर देना और बहुत कुछ। धमाकेदार। कितने ओबीस? 1 बिलियन ओबीस भाई। 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, यानी 100 मिलियन 10 करोड़। 100 करोड़। ओके ठीक है भाई, बांध लिया मैंने कुर्सी की पेटी। ब्रिंग देम ऑन भाई, भर देना और बहुत कुछ। धमाकेदार शुरुआत के लिए देखते हैं ब्रो की ये दीवार उस ट्रेन को रोक पाए। अबे भाई ये तो लोग GTA 5 में करते हैं। और 3 फुट चौड़ी है, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। चलो ऑर्डर दो। ऑब्वियसली चीज बोलो, तुम गधे हो। ट्रेन को छोड़ो, हमें उड़ा दो। ब्रो आर दे रेलिंग ऑन? क्या ये दीवार, इन्हें ट्रेन कहां से मिली? ओ माय गॉश, ओ नो ब्रो, ओ नो। मेरे को ट्रेन के लिए, अबे कुछ ना हुआ ट्रेन को। ब्रो ये क्या पागल इंसान है। आई एम प्रीटी श्योर इसको वहां के शेरिफ या इंस्पेक्टर या वहां के कोई सिटी हेड से बहुत तगड़ी परमिशन लेनी पड़ती होगी। भाई तुम सोच रहे हो ये इसने खुद से ट्रैक बनाया, या क्या ये कहीं जाता होगा ट्रैक कहीं टाउन में? आई मीन ऑब्वियसली इसने साफ कर दिया होगा बाद में, या फिर इसने खुद का एक ट्रैक बना लिया और उसे नहीं रोक पाई हो। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि क्या 5 ट्रक उसे रोक पाएंगे। हमारे इस अगले एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने खरीदी ये कार और बनाया ये बड़ा सा रैंप। अब देखिए Bro, what car is that? एक सेकंड रुकना प्लीज। ओके माय बैड आई थॉट मेरे को बहुत पुराने मॉडल वाली फरारी होगी। इतना पागल नहीं है, कम ऑन मिक्सू। मैंने खरीदी ये कार और बनाया ये बड़ा सा रैंप। अब देखेंगे कि ये कितने बसेस। भाई इसको रियल लाइफ ना गेम ही लग रही है कसम से। मुझे लगता है वो सभी बसेस पार करके जंगल में चली जाएगी। ये बस टपाने वाला है, ये बस टपा रहा है। उसने बस को चीर दिया। ब्रो आर पार निकल गई कार। फ्यूरियस जैसा है भाई। और अब इसे करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे। भाई कितने खुश है ये लोग, मेरे को भी इस कार में बिठा दे। रैंप से मत भगाइयो प्लीज। नहीं मेरे को नहीं बैठना। एक जेट इंजन लगाकर, शायद मैं बताना भूल गया, पहली कार बस ट्रायल के लिए थी। ये है हमारा असली एक्सपेरिमेंट। जो और ये चल जो जा रही है। ब्रो कितनी तेज भाग रही है। ओके ओके भाई, डिस्ट्रक्शन भाई, डिस्ट्रक्शन भाई। तुम देख रहे हो ये एक लिटरल बस है। आखिर वो ऐसा कैसे कर रही है? कैसे कर रही है? बैठ के पूछ क्या। अरे भाई वो तुम सोच रहे हो, बंदे ने गाड़ी खरीदी एंड एक नहीं दूसरी बार किया है उसने, और इतनी सारी बसें खरीदी हैं। ये बाहर क्या चल रहा है? इतना पैसा इंडियन यूट्यूबर्स को कब मिलेगा? यूट्यूब प्लीज लुक इनटू दिस। भाई हमारा ही मन करता है सब करने का। तुम यहाँ बात नहीं कर सकते। हमारे अगले एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास है 10,000 लाख और 20। ये बहुत ज्यादा है। हम तरीक की कार को एक हेलीकॉप्टर से नीचे गिराएंगे। 10,000 लाख और 20। बस ये है कि हमने अब तक उसे ये बताया नहीं है। क्या मैं एक सेकंड भाई, मैं 10,000 लाख पे अटका हुआ था, क्या वो भी हेलीकॉप्टर से गाड़ी गिरने वाला है? एक सेकंड जल्दी से एक कैमरा ले। तुम्हें क्या लगता है वो क्या चीज है? वो तो मेरी कार है। रुको वो मेरी कार है। ओके इसी की गाड़ी है। तुम्हारी कार है। अरे भाई ब्रो चिल, इट्स जस्ट अ प्रैंक। तुम्हारी कार तो भाई, चिल इट्स जस्ट अ प्रैंक। उसे नीचे रख देगा। ओ सच में? और ऊपर ले जा, और ऊपर। वो कह रहा है उसे नीचे रख देगा। चलते रहो और थोड़ा ऊपर। ठीक है भाई रुक जा, बढ़िया। एंड नो वे क्या ये ऑर्बिस पे? रुक जा, ब्रो बस इतना स्प्लैश हुआ। ओके ट्रस्ट मी, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। भाई गाड़ी बहुत भारी होती है एंड आई थिंक तो गाड़ी के चीथड़े उड़ गए होंगे। कुछ ना कुछ तो फटा होगा, टूटा होगा पक्का। तो कमाल का था ब्रो, वो एक बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग थी। इतने अच्छे से तो मैं भी पार्क नहीं कर पाता। देखते हैं कार ठीक है रही। सलाम के दरवाजे खोल दो। लुक एट हिज फेस। ओके ब्रो ये काफी सैटिस्फाइंग भी लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई। डैम भाई मेरे को इसके अंदर कूदना है यार। नहीं वापस आ, ओके बुरी हालत, सच्ची में बुरी हालत।
भाई उसके वेस्ट तक पहुंच गई। ओके अच्छा वो बैठ रखा था। My bad. I was like, इतने और भी? नहीं, God नहीं, damn it. नहीं, मेरी बेबी। अरे ठीक है यार, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुझे लगता नहीं तुम्हें वैसे भी इसकी ज़रूरत थी। ये तो कबाड़ बन गई। Dude, गाड़ी के अंदर ही और भी भर गए। कार नहीं थी। हम और भी राइड एंजॉय करेंगे। कार को उठाया जरूर था पर उसे एक मैदान में ही रख दिया था। फिर उसकी जैसी एक और दूसरी कार को उठाया गया और बाद में उसे ऑर्बिस में गिराया गया। ओके भाई गुड फ्रेंड। नहीं है सिर्फ तुम्हारी कार जैसी है। तुम्हारी कार तो वहाँ मैदान में। मुझे तुमसे नफरत हो रही है। ओके भाई और देखते हैं ट्रेन की क्या हालत हो रखी है। बहुत ही बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो तब मेरी आवाज भी गूंज रही है। किसे लगता है कि ट्रेन जीतेगी? Obviously. मैं मुझे अपने ट्रक्स पर विश्वास है। हमने सभी ट्रेन ही जीतेगी। Come on man. डमीज भी बनवाए हैं। भाई तुम्हें पता है कितना मास है इसके अंदर? लगता बच पाओगे? ओ मुझे नहीं पता जिम। ट्रेन को भेजो। Nice one. ट्रेन. जिमी देखो ट्रेन आ रही है। ब्रो ये इनको ये करने की इजाजत कैसे मिली भाई? यो लास्ट वाला रुक गया। लास्ट वाले को कुछ नहीं हुआ। और यहाँ सिर्फ बची है ये ट्रेन। ट्रेन उन को भाई बंदे ने पूरी जगह कबाड़ करके रख दिया, पूरा कबाड़ा मचा दिया। गिरते हुए निकल गई और चाहती तो और कोई टाउन वाले यहाँ पे आके देखेगा उसे लगेगा भाई कोई एक्सीडेंट हो गया। मेरा दोस्त इसके साथ ये क्या हो गया? कैसे बचेगा वो भाई? बाजू भी गायब है। कम से कम चिपका हुआ तो है। देखते हैं उसका सर कहाँ है। वो यहाँ पर है बॉयज। सही लग रहा है। मैनिकन का सर। भाई इस चीज के लिए ओके नाइस। इसीलिए सर ढूंढा इसने। ट्रेन जीत गई। सभी मानते हैं कि ट्रेन जीती है। ऑब्वियसली ट्रेन नहीं। लॉन्च हो चुका। एक सेकंड, टेक्निकली ट्रेन नहीं जीती क्योंकि लास्ट वाले को नहीं तोड़ा ट्रेन ने। भाई आई थॉट ट्रेन जीत जाएगी। ब्रो क्या बंदे ने हेलो नेबर जैसा घर बना रखा है। यो ये लिटरली हेलो नेबर जैसा घर लग रहा है। जिन्हें पता है हेलो नेबर गेम के बारे में है और उसका जश्न मनाने के लिए मैंने उनके जैसा एक हूबहू घर बनाया है। ये देखो देखेंगे एक मीटियोर टकराने से उसके साथ। भाई मैं वही देख रहा था ऊपर क्या है। जैसे दिखने वाले बॉयज के पुतले भी बनवाए हैं क्योंकि मीटियोर के टकराने पर घर में कहाँ छुपना चाहिए। ब्रो लिटरली एक घर तबाह करने वाले हैं। पुतले घर में कहीं भी रख सकते हो, बस मीटियोर से बचने की कोशिश करो। अंदर जाओ। ओह नाइस। ये असली नहीं है। इसे इसके अंदर डालना सच में बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये अंडरग्राउंड। अच्छा अंडरग्राउंड घर नहीं होगा। मेरा अलग ही दिमाग चल रहा होता है। सॉरी गाइस माफ कर दियो। तके मीटियर की मार बर्दाश्त कर लेंगे, ये जरूर काम करेगा। उसे लग रहा है नाइस भाई तेरा सोफा ही नहीं बचने वाला। मिस कर देगा। मैं गाड़ी चलाऊंगा। देखते हैं कितने बॉयज जिंदा रहे। गाड़ी भी रखी हुई है उसके अंदर। मीटियर आ गया। भाई तो एक हिस्से पे गिरा। तीन मीटियर्स हैं। पता नहीं क्या। यो अबे भाई मैं कुछ बोलता हूँ मिस्टर बीस्ट लाइक नो अब करने वाले हम। रुक जा अभी तू। घर पर एक मीटियोर गिरने पर ऐसा होता है। चलो दूसरा वाला गिराते हैं। अब मीटियोर भाई जैसे डेली मीटियोर गिरते हैं। मीटियोर में आग लगी हुई है। मीटियोर गिरा दो। ओह नो ब्रो दिस डिड द मोस्ट डैमेज आई गेस। खत्म है तीसरे वाले में घर। खत्म है अभी धुआं निकल रहा है। कम ऑन रुको तो। देयर इज नो वे। पता नहीं कैसे क्रिस बच गया। मैं हूँ स्मार्ट। देखो हम बच गए मेरे दोस्त। लेकिन दूसरी तरफ चैनलर नहीं बच पाया। आखिरी मीटियोर को ऊपर लो। इसमें भी आग लगाएगा। मैं अमीर हूँ। जब चाहे उसे गिरा सकते हो। मीटियोर गिरा दो। ठीक है खत्म खत्म। ओके ढांचा भी बचा हुआ है सरप्राइजिंगली। ब्रो सोफा बच गया? नहीं देखते हैं। यस अब आप जानते हो कि मीटियोर के गिरने से पहले आपको कहां छुपना है। यू वेलकम। दैट्स क्रेजी। एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम इस केमिकल को इस केमिकल के साथ मिक्स करें। यप आई नो दिस एक्सपेरिमेंट। मैंने बहुत वीडियोस देखी है। ये देखने क्या बन जाएगा। टूथपेस्ट इन कंटेनर। लिटरली आइसक्रीम। गुना ज्यादा केमिकल भरा है। बकेट को बिल्कुल मत छूना। पीछे हो जाओ। भाई मैं आता मैं लात मारता हूँ आगे। ढूंढ लो क्योंकि आगे वाला धमाका 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। तो ये तो हमने अभी जो देखा है लाल वाला वो लिटरली बच्चा था। उसका मतलब बंदे के दिमाग में आया कि मजा नहीं आया यार 100 गुना ज्यादा कर दो इसे। खड़ा रहूंगा कम से कम मैं वहाँ सेफ रहूंगा। छत पर मैं जाऊंगा। hey, तुम्हारा पेस्ट बन जाना है क्या ताकि हम इस टूथपेस्ट से उनके दांत साफ कर सकें। तुम फनी हो। उसे खींचने के बाद तुम्हें भागना। मैं तो 100% डेंजर भाई। ये पूरा पूल भरने वाला है। ओह माय गॉश। अरे बाप रे जोर से खींचो। अरे नहीं जरा उसे देखो। चो वो पूरे पूल में फैल रहा है। ओह माय गॉड। ओ ब्रो धुआं। अबे क्या इतना हीट। ओह नो भाई ऐसा लग रहा है डायनासोर ने उल्टी मार दी। या भी डायनासोर बस नहा के निकला है। एलिफेंट फोम टूथपेस्ट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये बहुत स्टीमी है। और बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया मजाक मजाक में। इसलिए हमें मना किया गया। अब हम मार्क रोबर से ज्यादा कूल बन गए। हां और पूरी दुनिया के हर एक इंसान से भी। पता इससे भी कूल क्या है। नोलन की मॉम। मॉम जोक्स नेवर डाइज गाइस। यस जस्ट लाइक योर मॉम।
भाई अच्छा अच्छी बात बोली मैंने जोक के माध्यम से। आई एम होपिंग फॉर योर फैमिली बेटर हेल्थ। नोलन की मॉम से भी कूल क्या है? क्या अगला एक्सपेरिमेंट? ये है ओके एक प्रोफेशनल स्टंट डबल। ब्रो ये देखना है मेरे को स्पाइडरमैन सूट और ये इस बिल्डिंग के टॉप तक चढ़ने वाले हैं। गो कांग्रेचुलेशंस। इन्होंने एक्चुअली का स्पाइडरमैन का स्टंट डबल ले लिया है। वो बढ़िया काम कर रहे हैं। यो बाय द वे जस्ट लेटिंग यू नो ये जो रस्सी लग रखी है ना ये बस इसको सपोर्ट देने के लिए कि जस्ट इन केस अगर कुछ भाई स्लिप हो जाता है तो सीधा नीचे ना टपक पड़े रस्सियां बचा ले। मतलब वो रस्सी उसे ऊपर नहीं खींच रही अगर तुम्हें लग रहा हो ऐसा तो वो लिटरली ऐसा समझो ये रस्सी एग्जिस्ट भी नहीं करती उसके लिए ऐसा समझो बस वो बचाने के लिए उसे। एंड वो चढ़ ही जा रहा है भाई ये क्या लगा रखा इसने क्या चीज है भाई ये मैग्नेट है क्या? जे लेजर ने बनाया था और अब तक इस सूट की मदद से ये 200 फुट तक चढ़े हैं। देव भी 200 फुट चढ़ने वाले हैं और उसके बाद 200 फुट और चढ़ेंगे इस विशाल स्काई। दोगुना ये पागलपन है ऑब्वियसली। वो ठीक यहाँ है क्या वो असल में? तुम पिक्चर ले रहे हो मुझे भी एक चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर हूँ पर पूरा होने तक रुकूंगा नहीं। भाई क्या है ये सक्शन पंप है क्या है? तुम आधा पार कर चुके हो। ओके 200 तक पहुंच गया। ये पागलपन है। बारिश हो रही है। ब्रो बारिश भी होने लगी इसे इतना टाइम लगा? ओह नो काफी काफी बैड टाइमिंग। भाई सरफेस गीला हो रहा है हर बंदे की चड्डी भी गीली हो रही है साथ में। ये क्या उसका सूट काम नहीं कर रहा? ऑब्वियसली मैं ठीक हूं। मैं कई बार असली स्पाइडरमैन भी बना हूं और मैं 241 फीट तक पहुंच चुका। उसने फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। आखिर ये कर कैसे? भाई बंदे का डिवाइस स्लिप हो रहा है बंदे ने फिर भी हार नहीं मानी। मैं ऐसे ही चढ़ता रहूंगा टॉप पर पहुंचने। पहुंच गए? मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अरे पहुंच गया सर। ये मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज है। मेरे को भी लाके दो प्लीज। यही वजह है कि ये वो बात अलग है यहाँ पे बिल्डिंग पे एक लात भी रख दो तो सब पागल हो जाते हैं। ये तो कोई नहीं करने देगा भाई यहाँ पे। दिस इज इंडिया ब्रो। स्पाइडरमैन के स्टंट डबल हैं। ब्रो कुडोस ब्रो पहुंच गया भाई। 400 फीट तुम पूरे। दैट इज क्रेजी भाई दैट इज क्रेजी। इतनी यहाँ पे किसी की साल की तनख्वाह होती है भाई? कब है? नहीं बता सकता। ओके ये टॉम हॉलैंड से बेहतर है। और वो कार आ गया जिसका सबको इंतजार था। हाइड्रोलिक प्रेस। करो जिमी ये बहुत भारी। ब्रो दैट कार भाई मत करो प्लीज मत करो मेरे को दे दो। हेलो हियर प्लीज। क्यों कर रहे हो ये इतनी प्यारी गाड़ी के साथ? ब्रो मैं बचपन में ना मैं ऐसे ही बनाता था लैम्बोर्गिनी ऐसे साइड व्यू से बड़ा मजा आता था। वैसे फरारी नहीं लग रही आगे से लग रही है। ठीक है मैं पागल हो चुका हूँ। हाँ ठीक है सॉरी। वर्सेस ये लैम्बोर्गिनी देखते हैं कितनी चपटी होती है। भाई वापस आके खड़े हैं। पहले भी किया है बॉयज देखना चाहते हैं कि उनके पुतले बचते हैं। कम ऑन मैन। एक बुरे इंसान के साथ ऐसा ही कैसे बचेंगे? डिक्की सबसे सेफ स्पॉट होता है। वाओ मैं बचाऊंगा कार। मैं गाड़ी के नीचे रख देता वो भी बहुत सेफ स्पॉट होता है। भाई मत करो नो भाई अब तो खत्म होगी। अब तो मेरे पे आगे भी कुछ नहीं होएगा इसका। और बस भाई पापड़ बना के रहोगे। ओके इससे नीचे नहीं जा रही। इससे नीचे नहीं जा रही कि ये लैम्बोर्गिनी अब किसी काम की नहीं रही। बिल्कुल भी काम की नहीं रही। ऑब्वियसली अबे और नीचे जाने को। ओह नो ब्रो क्या पूरा कॉइन बना देंगे क्या इसका? मुझे लगा वो एक पिज्जा जैसी चपटी हो जाएगी तो इसीलिए। सेम चलो इस लैम्बोर्गिनी को उड़ा देते हैं। वाओ ब्रो दैट वाज सो रैंडम। क्या भाई बंदे को चैन नहीं आया लैम्बोर्गिनी को पापड़ बनाने के बाद भी। तो यस आई होप तुम लोगों को ये देख के मजा आया होगा। एंड मेरे को तो भाई दुख हो रहा है बड़ा कि वो गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं आई। तो यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट। बीट पे गदर मचेगा खटेगा ये पिज्जा सब में बटेगा बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा स्वैर चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।